डियर स्टूडेंट्स, दिस इज निशांत स्टोरियन, यू आर वॉचिंग एनालाइज केमिस्ट्री। इस चैनल का पर्पस ये है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी कराना और केमिस्ट्री की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना। अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो आईटी मेंस 2020 का 4 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये शिफ्ट 1 का केमिस्ट्री का पेपर है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू पेंटाइल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म टू एल्कीन्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 85:15 देन द एल्कीन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो है वो बताते हैं। यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि ये मेजर और माइनर का केस है। आपको कहा गया कि न्यू पेंटाइल एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ की गई। अब जरा सोचो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो तो वो रिएक्शन क्या होगी। वो रिएक्शन जो होगी वो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होगी, यानी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, कार्बोनियम आयन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कार्बोनियम आयन मैग्नेट को फॉलो करेगी, यानी कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करेगी, और उसमें भी कौन करेगी, E1, ठीक है ना। एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन को ये फॉलो करेगी, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करेगी, जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने न्यू पेंटाइल एल्कोहल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको समझ में आता है कि जब एक कार्बन पे हम 4 कार्बन लगा देते हैं तो वो न्यू पेंटेन हो जाता है, और पेंटाइल बनाना है तो एक हाइड्रोजन को हटाना है। तो चाहे आप इस हाइड्रोजन को हटाइए, चाहे इसको हटाइए, चाहे इसको हटाइए, चाहे यहाँ वाले से हटाइए, आपको समझ में आता है कि 4 कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनका सराउंडिंग क्या होता है, सेम होता है। और सेम सराउंडिंग होने की वजह से आप इनमें से कोई भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हटा के मैंने इसमें वच लगा दिया तो ये पेंटाइल एल्कोहल बन गया। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसे हम मिलाएंगे तो इसमें क्या हुआ, प्रोटोनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। प्रोटोनेशन की प्रोसेस हुई तो अब यहाँ से लोन पे इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट होगा, ठीक है ना, और ये बन जाएगा गुड लिविंग ग्रुप OH2+। ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया क्या, OH2+ बन गया। अब यहाँ से OH2+ निकलेगा, डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल जो होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर CH2+ बन गया। अब बताओ जरा, ये वाला कार्बोनियम आयन कौन सा कार्बोनियम आयन है। इसमें आप देख रहे हो कि एक कार्बन से इस कार्बन से सिर्फ यही कार्बन बॉन्डेड है, इसका मतलब कार्बोनियम आयन कैसा हो गया, 1 डिग्री। क्या हम इस कार्बोनियम आयन को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसको क्या 2 डिग्री में क्या 3 डिग्री में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर हम यहाँ से मिथाइल को शिफ्ट करा दें, मिथाइल कहाँ से शिफ्ट होगा, अपनी 1 पोजीशन से 2 वाले पे, ये 1 पे लगा हुआ मिथाइल है और ये 2 पे जाएगा, तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगी। और जब 1-2 मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर हो गई तो ये मिथाइल लग गया यहाँ पर। अब प्लस चार्ज आ गया यहाँ पर, ये कार्बोनियम आयन कौन सा है, इस ये वाला कार्बन कौन सा है, ये एक कार्बन 3 कार्बन से लगाए 3 डिग्री है और इसमें प्लस चार्ज लगा दिया तो कैसा हो गया, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन हो गया। इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। अब इसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता है और हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता है। H+ के फॉर्म में यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब रिलीज हो जाएगा तो अब जरा सोचो, एक बार देखो जरा, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, तो चाहे हम H+ को यहाँ से रिलीज करें और चाहे हम H+ यहाँ से रिलीज करें, बात एक ही होगी, ठीक है ना। उसके बाद H+ यहाँ से रिलीज करेंगे तो डिफरेंट बनेगा। मैंने इसको 1 नंबर दिया क्योंकि ये 1 डिग्री है, और ये हमने इसको 2 नंबर दिया क्योंकि ये 2 डिग्री है। हालांकि 1-2 आपको 1-2 जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री से कोई रिलेशन नहीं है। आप किसी को भी 1 किसी को 2 मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप एक प्रोसेस को दिखा रहे हो कि प्रोसेस क्या होगा। 1 से हाइड्रोजन जब रिलीज हुआ तो क्या हुआ होगा कि यहाँ से H+ जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, और जब H+ रिलीज हुआ तो ये C=CH2 यानी ये बन गया। अब 2 से अगर आपने H+ को रिलीज किया तो यहाँ CH रिलीज हो गया, तो ये CH3 और डबल बॉन्ड CH3 ये बन गया। अब एक बात जरा सोचो, इन दोनों में अगर मैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की बात करता हूँ तो आपको समझ में आती है कि वो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम से कम हाइड्रोजन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो इनमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो कौन सी है, ये वाली, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उसको हम हॉफमैन एल्कीन कहते हैं, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो सैटजेफ एल्कीन कहलाती है।
मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन में सैडियफ एल्किन का ही फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर सैडियफ एल्किन जो होगी वो 85% होगी और ये जो होगी वो 15% होगी, यानी दोनों कंपाउंड के फॉर्मूले इस तरह से होंगे। सैडियफ एल्किन एक्चुअल में हाइपरकॉन्जुगेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर आप देखोगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यानी 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर्ड देन द लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, देयरफॉर इट इज 85% एंड ये 15%। तो अगर इस हिसाब से हम ऑप्शन को देखें तो पहले हमें 85% को देखना है, फिर 15 को, तो 85% वाला ये स्ट्रक्चर है और 15 वाला ये, यानी आंसर सेकंड जो आएगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको, ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए भी हैं। एक्वस एडीएनओ थ्री रिएक्टेड विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें आप देखोगे तो इसमें साइक्लोप्रोपीन ये दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लोराइड दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन में एक मेथॉक्सी ग्रुप लगा दिया गया और फिर क्लोरीन लगाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्रोपेन पे 2 कार्बन पे एक क्लोरीन लगा दिया गया, 2 क्लोरोप्रोपेन है, और यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन में यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 पोजिशन पे NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप लगा दिया गया। अच्छा एक बात सोचो कि जब तुम AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, सब पे जो है वो क्लोरीन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्लोरीन रिएक्शन करके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा ना। ये Ag+ है तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, Cl- फॉर्म में। अगर ये Cl- फॉर्म में निकला तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आने का मतलब ये भी कार्बोनिमाइन मैकेनिज्म को क्या करेगी, फॉलो करेगी, और क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये जो होगा वो क्या होगा, SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगी। अब एक बात और सोचो कि अगर कार्बोनिमाइन बनता है तो जो रिएक्टेंट होता है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। जो रिएक्टेंट जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोनिमाइन बनाता है उतने ही जल्दी वो रिएक्शन करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन सारे कंपाउंड्स के हम कार्बोनिमाइन बना के देख लें और हम ये देखें कि कौन सा कार्बोनिमाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पर ए जो है उसका AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ से Cl- निकल गया, ये कार्बोनियामाइन बना और NO3- यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको अगर देखो तो ये साइक्लोप्रोपीनाइलियम है और साइक्लोप्रोपीनाइलियम जो होता है वो कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन को शो करता है, मतलब ये हैकल रूल को फॉलो करता है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। यहाँ n की वैल्यू 0 है तो इसलिए 2π इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये पाई बॉन्ड है। दूसरा ये प्लेनर है, सारे के सारे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, साइक्लिक है, दिख रहा है, ठीक है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और तीसरा नेक्स्ट है कि इसमें कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड के साथ में प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल होता है, तो कंडीशन आप कॉन्जुगेशन की बोलते हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, प्लस चार्ज जो है वो अल्टरनेट, ठीक है ना, ये सारे के सारे अल्टरनेट होते हैं। डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड अल्टरनेट कंडीशन पे, डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर अल्टरनेट कंडीशन पे, ठीक है ना, इस तरह से। अब हमने यहाँ पर देखा AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करें, लेकिन पश्चात बना और OCH3। अब सोचो जरा OCH3 का नेचर कैसा होगा, ये कैसा होगा, प्लस एम इफेक्ट को शो करेगा कि माइनस एम, तो भाई इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सेकंड पीरियड का ये भी एलिमेंट है और ये कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये कार्बोनियामाइन को जल्दी स्टेबल करेगा। इसका मतलब कि ये भी एरोमेटिक कार्बोनियामाइन है, पर ये कार्बोनियामाइन इससे ज़्यादा स्टेबल है, और जब ये कार्बोनियामाइन इससे ज़्यादा स्टेबल है तो उसके फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, यानी कि यहाँ से Cl- के निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगा, कि ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हो तो यहाँ पे कोई एरोमेटाइजेशन नहीं है, यानी इन दोनों के बाद ये आएगा, तो पहले ये आएगा रिएक्टिविटी, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो इसमें आपने क्या किया, AgNO3 से रिएक्शन कराया तो 2 डिग्री कार्बोनियामाइन बनेगा, और यहाँ पर भी आप अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो 2 डिग्री कार्बोनियामाइन बनेगा, बट
यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ग्रुप एनओ टू जो है इसका इफेक्ट ऐसा माइनस एन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो जब इसका इसका नेचर जो होगा वो माइनस एन है, यहाँ पर क्या होगा माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा, ठीक है ना। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करेगा खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो खींचने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये इस कार्बन एनायन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा के उसको अनस्टेबल कर देगा। मतलब कि इन दोनों कार्बोनियम आयन में सबसे कम स्टेबल कार्बोनियम आयन ये होगा, और जब सबसे कम स्टेबल होगा तो ये रिएक्टेंट कभी चाहेगा नहीं कि सीएल जो है वो बाहर जाए, यानी इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो भाई देखना होगा बी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इसके बाद ए की, फिर सी की, फिर डी की, ठीक है ना। तो बी ए सी डी, ये आंसर बी ए सी डी होगा, और बी ए सी डी अगर आप देखोगे तो सेकेंड आंसर होगा। आप यहाँ पर देख रहे हो यही स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोनियम आयन का भी होगा, और यही रिएक्टिविटी ऑर्डर सबस्ट्रेट का भी होगा।